किताब तो दूर वो आँख पर तक नहीं पड़ता, बात करना तो दूर उसने मेरी तरफ देखा तक नहीं, मोबाइल चलाना तो दूर वो टीवी भी नहीं देखती। गैस इस प्रकार की वाक्यों को हम हिंदी में तो बड़ी आसानी से बोल लेते हैं, बट इसे इंग्लिश में कैसे कहा जाता है, इसके लिए कौन से स्ट्रक्चर की यूज़ किया जाता है, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। चलिए इसका कॉम्प्लेट स्ट्रक्चर देख लेते हैं। पहले आपको लिखना पड़ेगा नॉट टू स्पीक ऑफ, इसके बाद नाउन और वर्ब आएगा तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म लिखेंगे, इसके बाद कॉम्प्लेट सेंटेंस जो आप बोलना चाहते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल के मदद से इस स्ट्रक्चर को और भी अच्छे से समझ लेते हैं। किताब तो दूर वो अखबार तक नहीं पढ़ता। नॉट टू स्पीक अप बुक्स ही डजंट रीड इवन न्यूज़पेपर। नॉट टू स्पीक अप बुक्स ही डजंट रीड इवन न्यूज़पेपर। मोबाइल चलाना तो दूर वो टीवी भी नहीं देखती। नॉट टू स्पीक अप यूजिंग मोबाइल सी डजंट वॉच इवन टीवी। नॉट टू स्पीक अप यूजिंग मोबाइल सी डजंट वॉच इवन टीवी। बात करना तो दूर उसने मेरे तरफ देखा तक नहीं। नॉट टू स्पीक अप टॉकिंग ही डिडंट इवन लुक एट मी। नॉट टू स्पीक अप टॉकिंग ही डिडंट इवन लुक एट मी। मास्क पहना तो दूर लोग सामाजिक दूरी भी नहीं रख रहे हैं। नॉट टू स्पीक अप वेयरिंग अ मास्क पीपल आर नॉट मेंटेनिंग इवन सोशल डिस्टेंस। नॉट टू स्पीक अप वेयरिंग अ मास्क पीपल आर नॉट मेंटेनिंग इवन सोशल डिस्टेंस।